भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के बीच हुए युद्ध के दौरान बीएसएफ के जवान, जिसे बीएसएफ की तरफ से मृत घोषित कर दिया गया था, वो अभी जिंदा है। परिवार की तरफ से कई बार गुहार लगाने के बाद भी अभी तक सुरजीत सिंह की रिहाई नहीं हो पाई है। इस मामले को लेकर अब सुरजीत सिंह की पत्नी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंची, जहां हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 13 नवंबर के लिए जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि पाकिस्तान के ह्यूमन राइट मिनिस्टर से लेकर पाकिस्तान से छूटे कई कैदी भी सुरजीत सिंह के पाकिस्तान की जेल में बंद होने की बात कह चुके हैं। पाकिस्तान की जेल की सजा पूरी होने के बाद भी सुरजीत सिंह को अभी तक रिहा नहीं किया गया। दरअसल सुरजीत सिंह बीएसएफ के कांस्टेबल थे, जो छंद सेक्टर में तैनात थे और उन्हें पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था। बीएसएफ की तरफ से सुरजीत सिंह को मृत मानते हुए उनका डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया था।